नमस्कार दोस्तों, आज हम नोबेल प्राइज़ 2022 के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। हर साल नोबेल प्राइज़ किस कोई भी एग्ज़ाम लगा लीजिए आप, सबके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट होता है। तो जो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। तो देखिए, अब डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक कोट देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए, ए सर्टेन डार्कनेस इज़ नीडेड टू सी द स्टार्स। अब कई बार क्या है कि लाइफ में बड़ी चैलेंजेस आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, कि रात के टाइम पे स्टार्स को देखने के लिए, मून को देखने के लिए भी जो है सर्टेन अमाउंट ऑफ डार्कनेस इज नीडेड। तो आप जो डिफ़िकल्टीज फेस करते हो तो उनसे आप घबराइए मत, ठीक है। ये जो है ओशो ने कही थी ये बात, ठीक है। अब हम जो हमारा जो एक्चुअल डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 27 नवंबर 1895 में क्या हुआ था कि जो एल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने क्या कहा कि मेरी जितनी भी जो संपत्ति है ना, चल अचल, जो भी मैंने अपनी लाइफ में कमाया है, उस सारी अमाउंट को जो है इस तरीके से खर्च किया जाए कि वो सारा का सारा अमाउंट जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको, जो कुछ इम्पोर्टेंट फील्ड्स हैं उनमें इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन के लिए एज ए प्राइज मनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए। तो जो कौन कौन से फील्ड उन्होंने बताए कि एक तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी बोल दो या मेडिसिन बोल दो, लिटरेचर एंड पीस, ये जो इन्होंने अनाउंस किया था 1895 में। और जो स्टार्ट हुआ था ना नोबेल प्राइज़, वो 1901 में स्टार्ट हुआ था। इट मीन्स कि जो फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। अब इन पांच फील्ड में तो 1901 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ है ना, दैट इज़ अनाउंस्ड बाई सेवरेजिज रिस्क बैंक, जो कि स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है, उसने अनाउंस किया। और उन्होंने एल्फ्रेड नोबेल की जो मेमोरी है उसमें इस इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ है इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। अब एल्फ्रेड नोबेल के बारे में एक चीज़ और भी हम जो है ध्यान में रख सकते हैं कि जो डायनामाइट है ना, डायनामाइट की जो डिस्कवरी है वो भी जो है एल्फ्रेड नोबेल साहब ने की थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग है वो ये है कि किस किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ये जो है 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ हमें दिया जाता है, मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है दोस्तों। अब जो मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है, दैट इज़ अनाउंस्ड बाय कैरोलिंस का इंस्टीट्यूट, ठीक है। और जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ है, दैट इज़ अनाउंस्ड बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। और जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है, दैट इज़ अनाउंस्ड बाय रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये भी जो है सेम है। लिटरेचर में जो स्वीडिश एकेडमी है वही इसको जो है अनाउंस करती है। इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस अनाउंस करती है। और जो पीस का जो नोबेल प्राइज़ है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, दिस इज़ अनाउंस्ड बाई नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, ठीक है। तो ये जो एक्सेप्शनल केसेज है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम जो स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज़ है इस ईयर का, वो दिया गया मेडिसिन के फील्ड में। तो इस मेडिसिन, इस नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि ये जो प्राइज़ है किसको दिया गया। तो ये प्राइज़ दिया गया स्वांते पाबो को। स्वांते पाबो एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं, ठीक है दोस्तों। और इन्हें किस फील्ड में दिया गया, मेडिसिन के फील्ड में दिया गया। किस लिए दिया गया, तो इन्होंने क्या किया कि जो बहुत पुरानी जो फॉसिल्स अवेलेबल हैं हमारे पास, उनसे कैल्शियम
कैसे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करके कैसे हम क्रोमोसोम्स की स्टडी कर सकते हैं। तो जो बहुत पुरानी जो आदिमानव या जो स्पीसीज रहा करते थे, जो उनमें से एक एग्जांपल है नियंथर्नल और डेनिसोवा, तो ये जो दो मेन जो हमारे ये कह सकते हैं हमारे जो पूर्वज थे, इनकी जो जीनोम्स को इन्होंने स्टडी किया। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है दोस्तों। ये डिस्कवरी हमारी हेल्प करेगी जो ह्यूमन इवोल्यूशन है ना, उसको समझने में ये जो डिस्कवरी है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब इसमें कुछ और चीज़ जो है मेडिसिन से रिलेटेड आप देख सकते हैं, थोड़ा सा और इसको डिस्कस करें। तो ये देखिए, ये जैसा कि हमने डिस्कस किया है नियंथर्नल और डेनिसोवा केव में, जो मतलब जो पहले जो हमारी प्रजातियां रहा करती थी उनका थोड़ा सा वो इनके ऊपर जो थीसिस है वो इनके बारे में दिया गया कि किस टाइप से हमारे जो जीनोम्स हैं उनमें वेरिएशन हुआ, किस टाइप से जो है वो इवोल्व हुई। देख सकते हैं होमो सेपियंस चिंपांजी, ठीक है दोस्तों। अब जो इसी में आप ये देख सकते हैं कि जो डेनिसोवा जो हमारी जो प्रजाति थी वो इस टाइप से दिखती थी, फिर जो थोड़ा और इवोल्यूशन हुआ नियंथर्नल वो इस टाइप से दिखती थी, जो आज के टाइम पे होमो सेपियंस हैं वो ये आप क्लियरली जो है आप इनमें विजिबिलिटी देख सकते हैं कि क्या जो डिफरेंशिएशन इनमें था। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। अब केमिस्ट्री के फील्ड में तीन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया, जिनमें से दो जो साइंटिस्ट थे वो थे यूएसए से, जो कि कैरोलिन आर बर्टोजी, कैरोलिन आर बर्टोजी और के बेरी सार्पलेस, ये दो साइंटिस्ट थे, ये दोनों यूएसए से थे। और जो तीसरा हमारा जो साइंटिस्ट है मोर्टन मेल्डल थे, डेनमार्क के ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब देखो जो याद रखने की चीज़ है ना वो यही है कि किस फील्ड में दिया गया, एक तो किस किस को मिला और उन्होंने उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। अब इस केमिस्ट्री से रिलेटेड नोबेल प्राइज में एक चीज़ और आपको जो ध्यान रखनी है कि जो के बेरी सार्पलेस है ना, इनको एक बार 90 आई डोंट रिमेंबर द ईयर, तो इनको सॉरी ये 2001 में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। अब इनको सेकंड टाइम जो है इनके कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको इस फील्ड से रिलेटेड ध्यान में रखनी है। इनका कंट्रीब्यूशन किस में था, इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था। अब क्लिक केमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो क्या है कि जो इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो जैसे पॉलीमर्स हैं उनके बनाने में इनकी एप्लीकेशन है कि जैसे कि जो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस फील्ड में जो है इनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा, ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे मान लो जो मेडिसिंस हम बनाते हैं उसमें एक एग्जांपल लिया गया कि जब मान लो 1 किलो हमें ड्रग्स बनानी है तो उसमें क्या है कि 25 से 100 किलो के आसपास जो वेस्ट है वो जनरेट होता है। तो इस जो है वेस्ट, जो इतना जो वेस्ट जनरेट होता है इसको रिड्यूस करने में जो है इस डिस्कवरी से हमें हेल्प मिलेगी। और जो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है कैंसर ट्रीटमेंट में। तो ये एक बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट है केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक्स के फील्ड में किस को नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। तो जो पहले जो साइंटिस्ट थे वो हैं एलेन एस्पेक्ट, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, ठीक है। दूसरे हैं जॉन एफ क्लोजर, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। थर्ड है एंटोन जिलिंगर एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट। अब ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूज मत हो जाना, ये ऑस्ट्रिया है, इसको जो है आप ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट कंट्री है और ऑस्ट्रिया एक डिफरेंट कंट्री है। अच्छा, इनको किस कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, तो इन्होंने क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है, उसमें इनके
कंट्रीब्यूशन के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो इन्होंने क्या मतलब अपने डिस्कवरी में क्या बताया कि मान लो कोई दो पार्टिकल हैं वो काफ़ी टाइम से एक साथ रह रहे हैं, तो क्योंकि दोनों में एक जैसी क्वालिटीज़ जो डेवलप हो जाती हैं, उसके बाद मान लो वो अलग अलग भी रहे ना, तो क्या है कि उनकी जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा। जैसे कि मान लो दो कोई हस्बैंड वाइफ है, वो काफ़ी टाइम से सेम साथ में रह रहे हैं, ऑब्वियसली सभी हस्बैंड वाइफ साथ में ही रहते हैं, तो कुछ ऐसे कुछ जो है काम के लिए उनको अलग अलग जगह पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो जहाँ भी रहेंगे तो उनका जो बिहेवियर मतलब सेम सिचुएशन मतलब सिमिलर बिहेवियर रहेगा, इस टाइप का सा थोड़ा सा आपको ये समझना है। इसकी जो एप्लीकेशन है, आपको एप्लीकेशन जो है सभी की ध्यान में रखनी है। एप्लीकेशन क्या रहेगी इसमें, जो अब आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनमें इसकी एप्लीकेशन रहेगी, और आईटी के फील्ड में इनकी एप्लीकेशन रहेगी। तो फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज किस किस को दिया गया, इससे आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो किस फील्ड में दिया गया, किस किस साइंटिस्ट को दिया गया, और क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा, ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो फील्ड है जिसमें नोबेल प्राइज दिया गया वो है लिटरेचर का, ठीक है दोस्तों। नोबेल प्राइज में जो नोबेल प्राइज 2022 इन फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज एक फ्रेंच ऑथर थी जिनका नाम है एनी एरनॉक्स। नाम तो आपको दोस्तों सभी जो साइंटिस्ट का, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, केमिस्ट हो, फिजिशियन हो, सभी का नाम ध्यान में रखना है। तो इनको, ये एक फ्रेंच ऑथर हैं और इनको लिटरेचर के फील्ड में जो है इस ईयर का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया। इनकी अच्छा इनके बारे में थोड़ा सा हम जाने, तो इन्होंने जो है क्लास डिफरेंस, पैट्रियार्की, सोशल इनजस्टिस, इन जो जो बहुत ही जो है क्या है सेंसिटिव जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बिल्कुल बोल्डली जो है इन्होंने लिखा है, विदाउट जो है विदाउट द फियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस फील्ड की कुछ और लिटरेचर की से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखना चाहें तो वो इसकी कुछ जो कुछ फेमस बुक्स हैं वो उनका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। आई वुड रिकमेंड यू टू रिमेंबर दीज नेम्स। तो इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, उनमें से पहला एक द ईयर्स, ठीक है, दूसरा है विमेंस स्टोरी, तीसरा है इमेंस प्लेस, और फोर्थ है सिंपल पैशन। तो ये जो विमेंस स्टोरी है ना दोस्तों, ये इन्होंने जो है अपनी जो है इनकी मदर के ऊपर है ये, ठीक है। मेंस प्लेस की एक जो मैन का क्या रोल है, तो ये इनकी जो है फादर के ऊपर है इनकी जो स्टोरी है ये, ठीक है। तो ये इतनी दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट फॉर लिटरेचर। एंड द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स के फील्ड में इस ईयर का जो नोबेल प्राइज है वो दिया गया, जो तीन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कौन कौन है, बेन एस बेरनेक, डोगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डिबविग। तो ये तीन जो है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको इस ईयर का जो है इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, इनका कंट्रीब्यूशन रहा दोस्तों कि इन्होंने बताया कि एक जो बैंक है ना, बैंक का क्या रोल है फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे। अब देखो, पहले हम सोचते थे कि मान लो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई ना तो उस केस में बैंक फेल हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने बताया कि जो केस है ना बिल्कुल अपोजिट है। क्या कि जब बैंक फेल करते हैं ना तब फाइनेंशियल क्राइसिस आती है। इसके लिए इन्होंने एविडेंस लिए कि जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930 का उसको एनालाइज किया, जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2008 में उसको एनालाइज किया। इनको एनालाइज करके इन्होंने जो है अपनी जो रिसर्च थी किस पे, बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पे वो दी गई, और इसके लिए जो है इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज पीस। पीस के फील्ड में जो नोबेल प्राइज है वो वन पर्सन और दो ऑर्गेनाइजेशन है उनको दिया गया, ठीक है। इनमें जो पर्सन है वो है एलिस बियालात्स्की, जो कि ये पर्सन है जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये एक बेलारूस के जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ठीक है।
और इसके साथ साथ दो ऑर्गेनाइजेशन हैं। पहली ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल की, जो कि एक रसिया की ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और जो लास्ट है वो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये यूक्रेन की एक जो है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें क्या है कि इसमें देखिए, दे हैव मेड एन आउटस्टैंडिंग एफर्ट टू डॉक्यूमेंट वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स एब्यूज एंड अब्यूज ऑफ पावर, ठीक है। टुगेदर दे डेमोन्स्ट्रेट दी सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सोसाइटी फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। इन्होंने बताया कि एक जो है कंट्री में डेमोक्रेसी और पीस को मेंटेन करने के लिए सिविल सोसाइटी का कितना बड़ा योगदान है, यानी जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनका कितना बड़ा योगदान है, ये इस चीज़ के बारे में जो है इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। तो इनके लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया पीस के फील्ड में। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि अब तक जो है किन किन भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया गया। तो इनमें जो जो सबसे पहले भारतीय हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सी वी रमन को। सी वी रमन को फिजिक्स के फील्ड में 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट आता है हरगोविंद खुराना, जिनको मेडिसिन के फील्ड में 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट है मदर टेरेसा को, जिनको पीस के फील्ड में 1979 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको फिजिक्स के फील्ड में 1983 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट आता है हमारा अमर्त्य सेन, जिनको इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट आता है वी रामकृष्णन, जिनको केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट आते हैं हमारा कैलाश सत्यार्थी, जिनको पीस के फील्ड में मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। और लास्ट है अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे ए हेड।